एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज रमजान में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रमजान होने के बाद भी सबको पता है कि चांद दिखते ही अल्लाह शैतानों को कैद कर लेता है, ये सबको पता है। हदीसे पाक में भी सर्कस जिन्नात और शैतान दोनों कैद हो जाते हैं, इनको कैद कर दिया जाता है, जब तक चांद नहीं दिखेगा ये नहीं आएंगे। लेकिन जो 11 महीने हम ब्लेम डालते थे शैतान पर कि हमसे बुराइयां हो गई, गुनाह हो गए, क्यों, अरे शैतान ऐसा करा दिया, शैतान वैसा करा दिया, अब रमजान में कौन करा रहा है, शैतान तो है नहीं, फिर फजर में सोता क्यों है, बगैर नमाज पढ़े टांग फैलाए वैसी नमाज कजा कर रहे, कौन सा शैतान तुम्हें सुलाया, अभी तो शैतान है नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग चोरी का खाना नहीं छोड़ते, बहुत सारे लोग झूठ दगा गीबत ये रमजान में भी नहीं छोड़ते, तो ये इनको कौन सा शैतान करवा रहा है, कौन सा शैतान ये बुराइयां करवाता है। इसके जवाब के लिए एक चीज समझना जरूरी है, ये बात तो मशहूर है कि सारी बुराइयां शैतान करवाता है, इबलीस करवाता है ना। लेकिन आपको वो वाकया मालूम है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, कल ही की तफसीर में मैंने अर्ज किया, उसमें इबलीस भी था, इबलीस भी उस वक्त बहका हुआ नहीं था, गुमराह नहीं था, वो अच्छा था, इबलीस तो बहुत इबादत करने वाला था अल्लाह ताला को, तो उसने अल्लाह के हुक्म को टाल कर आदम को सजदा नहीं किया, गुरूर में खड़ा रहा, नाफरमानी किया। तो अब मैं ये सवाल करता हूं कि हर एक को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया था, उसको किसने रोका सजदा मत करना आदम को, कोई है बहकाने वाला, अरे वो तो पहला इबलीस है, उससे पहले तो कोई इबलीस था ही नहीं, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं, शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद जात वाला है, आदम मिट्टी से बना है, ये ख्याल किसने डाला, कौन सा शैतान था इससे पहले। यही बात समझने की है। मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने फरमाया इबलीस को जिस चीज ने सजदा करने से रोका वो नफ्से अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमजान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमजान में जो कुछ भी गलतियां या कोताहियां या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है, ये नफ्स की गुलामी में आ गए और नफ्स के शिकार हो गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया अरअयत मन इत्तखद इलाहहु हवा अफ अंत तकुन अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे। यानी रब तबारक व ताला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा, क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना, मतलब यही है कि जो दिल में आया इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया, अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व ताला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की, तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी, लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था रजअना मिनल जिहादिल असगरी लिल जिहादिल अकबर।
اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے, نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو, اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس ہمارا سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنوں نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں, یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو, یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے, پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دیتا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ جائے جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس شہوت برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے, اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے, عقل نہیں, عقل والے نہیں ہیں جانور, عقل والے نہیں, لیکن نفس ہے, شہوت ہے, شہوت بھی ہے نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے نفس بھی دیا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے, ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے, دونوں تمہارے اندر ہے, عقل بھی ہے نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ, جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں, اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے, نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں
अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है उसके बावजूद हरामकारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कौन सी, कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, नफ्स और अकल ये जो दो चीजें हैं इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं। अकल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वह इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है यह अकल? पूरी दुनिया में अकल का ही तो कमाल है, जिसके पास अकल है वो बादशाह है, जिसके पास अकल है वो लोगों को हांकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, अकल। और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है, कौन है जो इनको तबाह बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकेन, अफियोन, हेरोइन लूंगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना यह नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अकल गालिब आती है। अकल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया, नफ्स की सुनने वाला। अब ये दोनों जो चीजें हैं मैं बताता हूं आपको, रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अकल को भी पैदा किया और नफ्स को भी पैदा किया तो अपने सामने हाजिर किया, अकल से पूछा कि ए अकल बता मैं कौन हूं और तू कौन है। अकल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अकल ने क्या कहा, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का, अकल ने इकरार किया। फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत आना आना, तू तू है मैं हूं। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूं। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूं, किसी के सामने क्या झुकना है। तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए, 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया। नफ्स को 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत आना आना, तू तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज ना दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई, भूख और प्यास की, नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं। नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोजों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहां मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते रोजा है, रोजा है, क्यों पूछ रहे हो रोजा है, मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है।
अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा इंसान हो, अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है। मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। वो रोजे छोड़ता क्यों? हां, चंद ही चीजें हैं जहां तख़फीफ दी गई है शरीयत में, वो सफर है या मर्ज है। ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है, या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद है। जो निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है, तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाक ही आई है। नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई 900 साल दोजख में रखा जाए, 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कजा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो, अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना कयामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोजा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला एक महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की ना इंसाफी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है।